नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यापार लर्निंग हब में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास अपडेट जो आपके काम को और भी आसान बना देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंक एंड शेयर फीचर के बारे में। इस फीचर का इस्तेमाल कर आप अपने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टाफ, CA, बिजनेस पार्टनर्स को अपनी कंपनी का लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। यहाँ आपको मेन मेन्यू में सिंक एंड शेयर ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ आप सिंक का इस्तेमाल कर अपनी कंपनी मल्टीपल डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। साथ ही आप अपने स्टाफ या CA को अपनी कंपनी का लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं और उनके द्वारा किए गए सारे चेंजेस भी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप और लोगों को अपनी कंपनी का एक्सेस देना चाहते हैं तो आप ऐड यूजर पर क्लिक कर यूजर नेम, फोन नंबर या ईमेल आईडी एंटर कर यूजर्स रोल असाइन कर लेंगे। ये डिटेल्स आपको फिल करना मैंडेटरी होगा, जहां आपको मल्टीपल रोल्स दिखाई देंगे जिसका यूज कर आप अपने यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेकेंडरी एडमिन सेलेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी एडमिन परमिशन में देख सकते हैं कि इस यूजर के पास ऑलमोस्ट पूरा एक्सेस होता है, पर ये सिंक एंड शेयर को इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं, बैकअप नहीं ले सकते हैं और ना ही यूजर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यदि आप सेल्समैन सेलेक्ट करते हैं तो यूजर केवल अपनी खुद की बनाई हुई सेल और एक्सपेंसेस देख और एडिट भी कर सकता है, पर पार्टी का पूरा बैलेंस नहीं देख सकता है। सेल्समैन नए आइटम को बना उन्हें एडिट भी कर सकता है, पर वो कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। और अगर आप बिलर सेलेक्ट करते हैं तो आप बिलर परमिशन में देख सकते हैं ये यूजर अपने और दूसरों के सभी ट्रांजेक्शन देख सकता है, लेकिन एडिट अपने सेल्स ही कर सकता है। इसको पार्टी का पूरा बैलेंस दिखाई देगा, लेकिन ये आइटम को ऐड या एडिट कर सकता है पर डिलीट नहीं कर सकता। साथ ही ये एक्सपेंसेस भी आसानी से बना सकता है। अगर आप बिलर एंड सेल्समैन सेलेक्ट करते हैं तो ये रोल बिलर जैसा ही है, बस इतना अंतर है कि ये आइटम ऐड और एडिट भी कर सकता है। और यदि आप CA अकाउंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके सभी ट्रांजेक्शन, ऑल आइटम एंड पार्टीज, बैंक डेटा और रिपोर्ट्स आसानी से देख सकता है, पर आपके किसी भी डेटा को मॉडिफाई या किसी यूजर की एक्टिविटी और आपकी कंपनी की सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकता है। और अगर आप स्टॉक कीपर सेलेक्ट करते हैं तो ये यूजर परचेज को मैनेज करने के लिए है। ये परचेज एंट्री बना सकता है, लेकिन इसको केवल अपनी परचेज एंट्रीज ही दिखाई देंगे। ये अपनी एंट्रीज को मॉडिफाई भी कर सकता है। ये यूजर आइटम को बना और एडिट भी कर सकता है, साथ ही स्टॉक ट्रांसफर बना और मॉडिफाई भी कर सकता है। और ये यूजर अपने एक्सपेंसेस भी आसानी से बना सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रोल असाइन सेव यूजर पर क्लिक कर सेव कर लेंगे तो उस यूजर को मोबाइल पर एक इनवाइट लिंक रिसीव होगा, जिस पर क्लिक कर आपका यूजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ओपन कर लेंगे। और फिर आप ऊपर दी हुई 3 लाइंस पर क्लिक कर चेंज कंपनी पर क्लिक कर मैनेज कंपनी पर क्लिक कर लेंगे, जहां आपको सिलेक्ट कंपनी में शेयर विद मी और माय कंपनी के 2 टैब्स दिखाई देंगे। फिर आप शेयर विद मी पर क्लिक करेंगे, जहां उस यूजर को शेयर की हुई सारी कंपनीज दिखाई देंगे जो उस यूजर के साथ शेयर की हुई है। जहां यूजर आसानी से ज्वाइन पर क्लिक कर प्रोसीड कर लेंगे तो आपकी कंपनी डाउनलोड हो जाएगी। अब आपका यूजर आसानी से अपना काम कर सकता है। अगर आप दूसरे डेस्कटॉप से कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनी पर क्लिक कर चेंज कंपनी पर क्लिक कर लेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर अपना फोन नंबर या ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, जिस नंबर से एडमिन ने आपको एक्सेस दिया हुआ है, और फिर OTP एंटर कर शेयर विद मी पर क्लिक कर शेयर कंपनी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका यूजर इनवाइट लिंक से कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो आपका यूजर पेंडिंग स्टेट से ज्वाइंट स्टेट में दिखाई देने लगेगा। इसी तरह आप अपने यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप यूजर्स की डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो उस यूजर पर क्लिक कर उसका नेम और रोल चेंज कर सकते हैं, पर आप यूजर का नंबर या ईमेल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूजर को फोन नंबर या ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऐड यूजर पर क्लिक कर एक नए यूजर की तरह ऐड करना होगा, और साथ ही आप आसानी से यूजर को डिलीट पर क्लिक कर उसका एक्सेस भी हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए
सुमन यूजर जो ज्वाइंट स्टेट में है, अगर हम डिलीट पर क्लिक करते हैं तो आपको रिमूव यूजर का पॉपअप मिलेगा, जिसे आप यस रिमूव पर क्लिक करते हैं तो यूजर से एक्सेस खत्म हो जाएगा। अगर आप पार्टी को फिर से इनवाइट करना चाहते हैं तो रिस्टोर पर क्लिक कर तो पार्टी को फिर से एक इनवाइट लिंक रिसीव होगा, जिस पर क्लिक कर आसानी से वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप पार्टी को फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव्ड यूजर को फिर डिलीट करने पर यूजर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप यहां अपने सारे ज्वाइंट यूजर्स देख सकते हैं और किसी भी यूजर को सिलेक्ट कर उसकी एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूजर्स ने क्या चेंज किया है तो आप उस एक्टिविटी पर क्लिक कर यूजर एक्टिविटी ओपन भी कर सकते हैं, और साथ ही आप चेंज रोल पर क्लिक कर बड़े आसानी से यूजर रोल भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप सभी यूजर से अपनी कंपनी का एक्सेस हटाना चाहते हैं तो दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक कर डिसेबल सिंक पर क्लिक कर यस डिसेबल पर क्लिक कर लेंगे तो आपका सिंक ऑफ हो जाएगा। और अगर आप फिर से अपना सिंक ऑन करते हैं तो आपको री इनवाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके पहले ऐड किए हुए यूजर्स को फिर से एक इनवाइट लिंक चला जाएगा, जिस पर क्लिक कर वो फिर से कंपनी को ज्वाइन कर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप और आपका स्टाफ एक ही डिवाइस पर यूज करना चाहते हैं तो 3 डॉट्स पर क्लिक कर लॉग आउट फ्रॉम सिंक का इस्तेमाल कर लॉग आउट कर लेंगे, और फिर आपका यूजर अपना नंबर या ईमेल एंटर कर OTP एंटर कर लॉग इन कर लेगा। साथ ही आपका यूजर यहां असाइंड रोल भी आसानी से देख सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अन्य अपडेट टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।